हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। बी ए प्रोग्राम सेमेस्टर फोर एडुकेशन रिफ्लेक्टिंग लर्निंग कोड 262 43 39 और 03। ठीक है दोस्तों, किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर करना है दोस्तों। इससे पहले मैंने आप लोग क्वेश्चन नंबर वन का आंसर बता दिया दोस्तों। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए दोस्तों, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा दोस्तों। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 4, चिंतन के विभिन्न साधन क्या है। क्रिया अनुसंधान को चिंतन के एक प्रभावी उपकरण के रूप में उदाहरण सहित से समझाएं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों से शेयर कर देना दोस्तों, ताकि वो भी असाइनमेंट बना ले दोस्तों। अगर चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर पर। फाइनली दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर पर आ चुके हैं। चिंतन क्या है? चिंतन मानवीय जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। हम एक समस्या का हल खोज नहीं पाते हैं, दूसरी समस्या सामने उपस्थिति हो जाती है। ये समस्याएँ प्रयत्न बिना भी हल को हो जाती है और कभी कभी प्रयत्न चिंतन को जन्म देता है दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों। दोस्तों मैं आराम से ऊपर करता हूँ। इससे पहले मैंने और भी एक वीडियो अपलोड किया दोस्तों, एडुकेशन रिफ्लेक्टिंग का दोस्तों, लर्निंग का। आप लोग उसमें भी आंसर देख सकते हैं दोस्तों, उसमें मैंने मन का भी आंसर बताया। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप बिल्कुल आराम से लिखिए दोस्तों, मैं बिल्कुल आराम से ऊपर करता हूँ ताकि आप लोग को लिखने में परेशानी ना हो दोस्तों। अगर आप लोग को इसका इंग्लिश में आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं इसका इंग्लिश में आंसर अपलोड कर दूंगा दोस्तों। इससे पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया दोस्तों, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दूंगा दोस्तों। आप लोग बिल्कुल आराम से लिखिए दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 4 का है दोस्तों आंसर। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर देना ताकि डी ओ सोल के सारे अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलते रहे दोस्तों। आप लोग बिल्कुल आराम से लिखिए दोस्तों, बिल्कुल आराम से लिखिए और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, इंस्टाग्राम ग्रुप में, बिल्कुल आराम से लिखिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मूर्ति चिंतन और मूर्ति चिंतन दोनों भी डिफरेंट लिखा हुआ है दोस्तों। आप लोग बिल्कुल ये अंतर लिखिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पॉइंट बना के लिखिएगा आप लोगों को तो काफ़ी अच्छा मार्क्स मिलने वाला है यहाँ पर। ये देखिए आप सारी अभी सारी चिंतन दोनों का डिफाइन किया हुआ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल आराम से लिखिए दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर देना ताकि इसी तरह का अपडेट पाने के लिए डी ओ सोल की सारी अपडेट मिलती रहेगी दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का यहाँ पर कम्प्लीट हो जाता है, संपन्न किया जाता है, यहाँ पर कम्प्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।